बिहार में मौसम का एक नया दौर एक नए अंदाज में सामने आ रहा है। 9 जनवरी को बिहार में ठंड दो तरीके से पड़ेगी, दक्षिणी बिहार में जहां शीतलहर रहेगी और उत्तरी बिहार कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। यानी साफ जाहिर है कि पूरे दक्षिणी बिहार में जो पहाड़ी इलाका है वहां शुष्क हवाएं चलेंगी जो राजस्थान की तरफ से आ रही हैं प्योर पछुआ, और उसकी रफ्तार भी करीब 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यानी कि दक्षिणी बिहार के लोगों को कल से और अधिक ठंड महसूस होगी, इसके लिए उन्हें सतर्क करना चाहिए। IMD का कहना है कि इस इलाके में वैसे भी बहुत कम बरसात हुई है, इसलिए यहाँ की परिस्थितियाँ पहले से ज़्यादा ठंड के अनुकूल हैं। जहाँ तक उत्तरी बिहार का सवाल है, वहाँ भी ठंडी हवाएं पहुँचेंगी लेकिन वहाँ कोल्ड डे की स्थिति बनेगी। वहाँ का दिन का तापमान रात के पीछा ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, दिन के तापमान में वहाँ अधिक ठंडक महसूस होगी। कोहरा रहेगा, पूरे देश प्रदेश में ही कोहरा रहने की संभावना है। इस मौसम की इस दशा की वजह जो है वो यह है कि हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ जो हमने बताता है कि एक ऐसी कंडीशन जो यहाँ पर शीतकालीन बारिश लाता है वो नहीं बन पा रही है। आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ की संभावना भी कम ही नजर है। हालांकि पहाड़ों पर कल अथवा परसों से कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन IMD पटना के मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उसका असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। कल विशेष रूप से जो प्रभावित इलाके होंगे दक्षिण और उत्तरी बिहार में वो शहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा हैं, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। इसकी वजह भी है कि ये बिल्कुल हरित शून्य इलाके हैं, यानी कि यहाँ पर हरियाली बहुत कम है। यहाँ पर जो भी ठंडी बर्फीली हवाएं आती हैं वो ज़्यादा अंदर तक समा जाती हैं, हमें महसूस ज़्यादा होती हैं। आज उदाहरण के तौर पर गया को देख लें, आज वहाँ का न्यूनतम तापमान 5 साल बाद सबसे कम 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा। 2018 में वहाँ न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री था। हालांकि सर्वकालीन वहाँ का सबसे कम तापमान 2 डिग्री है जो आज से 50 साल पहले था। उस स्थिति में गया पहुँच सकता है क्योंकि आज गया का तापमान कल की तुलना में न्यूनतम तापमान बहुत गिरा है। हालांकि वहां पर दिन का तापमान आज 20 डिग्री से ऊपर गया है। यह स्थिति लगभग पूरे दक्षिणी बिहार की है, चाहे वहां का आसपास के जो भी नवादा हो, बक्सर हो, भोजपुर हो, जबरदस्त ठंड की चपेट में है, जहां पर दिन और रात के तापमान में अंतर बहुत है लेकिन रात का तापमान वहां बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। इससे कई असर पड़ेंगे, दुधारू पशुओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दुधारू पशु कम दूध दे सकते हैं, पाला पड़ने की संभावना है क्योंकि जब तापमान कम होता है तो पाला पड़ता है, पाले में फसल जो है उसको बहुत नुकसान होता है क्योंकि उसका जो उसमें जो उसका पल्लवन है, उसका जो परागण है, उसके यानी फल फूल आने की जो उसकी जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो इस परिदृश्य में किसानों को चाहिए कि अपने जानवरों को ओढ़ा के रखें, उसको भी आम आदमियों की तरह उसको भी बिछोना या उसके ऊपर ओढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो आपको दूध देता है। ये मौसम इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है एक तरह से, इसलिए बिहार के लोगों को जिनका बहुत ज़्यादा फोकस पशुपालन पर रहता है उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भी दुधारू पालतू पशु हैं उनको वो ठंड से बचाएं। आने वाले समय में जो अगला 48 घंटा है बिहार के लिए बहुत कठिन होने वाला है क्योंकि यहाँ कोल्ड वेव होगा, कोल्ड डे होंगे, सीवियर कोल्ड डे होंगे और इससे बचाव के लिए फिलहाल कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। सरकारी एजेंसियां कितना काम करेंगी ये अलग बात है, लेकिन आम लोगों को अपने बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहाड़ों में जो ठंड पड़ती थी, जैसे कि जो हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में, वो ठंड वहाँ पर नहीं है जितनी की ठंड गंगा के मैदानी इलाकों में पड़ रही है। गंगा का मैदानी इलाका जहाँ नमी ज़्यादा होती है वो इस बार शुष्क हवाओं से प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि कोहरा भी लगातार 10 दिन से जारी है और कोहरे की जो डेंसिटी है, उसकी सघनता है, यानी उसकी दृश्यता है, वो कम से कम सुबह के समय 25 मीटर तक आ जाती है और सुबह 7 बजे तक उसकी 200 मीटर तक रहती है। यानी कि ये बहुत कम ऐसा स्थिति देखी गई है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के साइंटिस्ट डॉक्टर सत्तार का भी कहना है कि 2003 के बाद इतना लंबा ड्यूरेशन फॉग का रहा है, लगातार फॉग पड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये फॉग अक्सर माना जाता था कि खेती किसानी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इस फॉग की वजह से और न्यूनतम तापमान की अधिकता और दिन के तापमान में कमी की वजह से वो जो फायदा होना था फॉग से वो नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में अभी ये मौसम के बदलाव के कोई चांस नहीं है, क्योंकि 5 दिन बारिश नहीं है और बारिश जब तक नहीं है बिहार को कोल्ड वेव से कोई नहीं बचा सकता। मौसम की दशाएं बिल्कुल कोल्ड वेव की अनुकूल है। हालांकि मौसम विज्ञानियों का ये भी कहना है कि 2-3 दिन बाद दिन का तापमान में और इजाफा होगा, लेकिन वो एक पूर्वानुमान है। फिलहाल ये है कि बिहार लंबे समय की शीत का शिकार है, जिससे कि कई तरह की परेशानियां आम आदमी को भी हो सकती हैं, कई तरह के डिसऑर्डर भी होते हैं। हालांकि उन चीज़ों पर चिकित्सीय नज़रिए से हमें नहीं देखना है, देखना ये है कि हम मौसम की जो दुश्वारियां पैदा हो रही हैं उससे कैसे बचें। इस पटना में, जहां तक पटना राजधानी क्षेत्र की बात करें, तो पटना राजधानी क्षेत्र में उच्चतम तापमान अभी भी हमारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर है। पूर्णिया सामान्य से 7 डिग्री ऊपर है। मुजफ्फरपुर तो 8 से 10 डिग्री ऊपर है। यानी हमारे सारे बड़े शहर जो हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हमारी आबादी रहती है, वो सारे के सारे सीवियर कोल्ड डे से प्रभावित हैं और यहाँ शीतलहर जारी है। IMD ने सरकारी एजेंसियों को खासतौर पर जिला प्रशासन से आग्रह किया, तो हालांकि स्कूल बंद हैं, इसके बावजूद खेल के मैदान और उन दूसरी जगहों पर जहाँ बच्चे क्लब इकट्ठे होते हैं वहाँ भी नज़र रखनी होगी। जगह जगह पर अलाव भी जलाने होंगे और यातायात के जो नियमों का पालन करना होगा, खासतौर पर सुबह के समय जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं फॉग में, उनसे बचाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं, ये देखा भी गया है। सबसे हमारे यहाँ जो मौसम की दुश्वारी है वो है शीतकालीन बारिश, और वो ना होने से किसानों को बहुत परेशानी है। उस पर किसानों की मदद क्या हो सकती है, ये सरकार को भी सोचना होगा आने वाले समय में। हिमालय से सटे हुए इलाके जो हैं वहाँ की ठंड का एक अलग रूप है। वहाँ पर अभी भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जो अंतर है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो इलाके अक्सर कहा जाता है कि उत्तरी बिहार जहाँ पर कम ठंड पड़ती है, या यहाँ यूँ कहें कि यहाँ न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अक्सर गैप रहता है, दक्षिणी बिहार की तुलना में अभी तक वहाँ ज़्यादा महसूस किया गया है। इसके अलावा मौसम में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि पिछले 20 साल में जिस तरह फॉग का ड्यूरेशन, उसका विस्तार लंबे समय तक रहा है, उसी तरह दिन का तापमान भी उसी तरह और ज़्यादा कम रहा है। यानी साफ बात जाहिर है कि दुश्वारियाँ रात की ठंड नहीं, दिन की ठंड ज़्यादा बढ़ा रही है। प्रभात खबर से राजदीप पांडे, प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।